शुक्र, शुक्र इज द सेवंथ एंड फाइनल धातु इन द धातुज फॉर्मेशन साइकिल। तो आज का टॉपिक है शुक्र धातु। शुक्र धातु इज अ बॉडी कंपोनेंट हैविंग रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। इट इज जनरली इक्वेटेड विद स्पर्म और सीमेन। तो सबसे पहले आता है शुक्र धातु की निष्पत्ति। निष्पत्ति क्या होता है कि ये वर्ड डिराइव कैसे हुआ है। तो जब सुच धातु में रक् प्रत्यय लगता है तो ये वर्ड बनता है। तो ये हो गई शुक्र धातु की निष्पत्ति। फिर आता है निरुक्ति। निरुक्ति होता है एटिमोलॉजी, मतलब द स्टडी ऑफ द ओरिजिन्स एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। तो शुक्र धातु की निरुक्ति क्या है? शौचित सूचते अथवा वीर्यते विक्रांतो द्वारा शुक्र की निरुक्ति की गई है। शौचित सूचते वीर्यते विक्रांतो, इसको एज इट इज याद करना। फिर आता है शुक्र के पर्याय, मतलब सिनोनियम्स क्या क्या है। सबसे पहला है तेज, फिर है किट विवर्जित, फिर पुंस्तवम डिनोटिंग मैस्कुलिनिटी, ओज डेट इज इम्यूनिटी, वीर्य, रेतस डेट इज विच फ्लोज, धातु स्नेह। तो ये हो गए शुक्र के पर्याय। अब आता है शुक्र धातु की उत्पत्ति, मतलब शुक्र धातु बनता कैसे है, कैसे बनता है। शुक्र धातु की उत्पत्ति मज्जा से बताई है, मतलब पहली धातु आगे की धातु का निर्माण करती है। तो मज्जा धातु शुक्र धातु की उत्पत्ति करती है। तो हम देखते हैं कैसे बनता है। जो मज्जा धातु होता है उसके सूक्ष्म भाग से शुक्र निर्माण अंश बनते हैं। तो उन पर जब शुक्राग्नि काम करती है, मतलब शुक्र की जो अग्नि है शुक्राग्नि, वो जब काम करती है तो एक प्रसाद भाग बनाती है और एक किट भाग बनाती है। किट होता है मल, डेट इज वेस्ट मटीरियल। तो अष्टांग हृदय के अनुसार मल क्या है शुक्र धातु का? ओज, इम्यूनिटी। अब आता है प्रसाद भाग, जिसको हम सार भी बोलते हैं। तो वो दो भागों में डिवाइड होता है, एक होता है स्थूल भाग, एक होता है सूक्ष्म भाग। स्थूल होता है ज़्यादा क्वांटिटी वाला, सूक्ष्म होता है कम। स्थूल बनाता है शुक्र धातु की उत्पत्ति, नहीं, स्थूल जो है शुक्र धातु की उत्पत्ति करता है। अब जो सूक्ष्म भाग है, हमने पुरानी पहली धातुओं में देखा कि सूक्ष्म जो है आगे की धातु के निर्माण अंश बनाता है और उपधातु बनाता है। तो जो शुक्र है वो हमारी लास्ट धातु है, आगे की धातु कोई है नहीं, तो कोई निर्माण अंश भी नहीं बनेंगे। आचार्यों के अनुसार शुक्र धातु की कोई उपधातु नहीं बताई गई है। तो ये हो गया शुक्र धातु की उत्पत्ति। फिर आता है स्त्री शुक्र। स्त्री शुक्र क्या होता है? स्त्रियों में भी शुक्र होता है, पर वह गर्भोत्पत्ति के योग्य नहीं है। स्त्रियों में शुक्र के स्थान पर गर्भ निर्माण में आर्तव सहायक होता है। मतलब क्या है इसका, कि शुक्र जो है वो स्त्री में भी है पर वो प्रेगनेंसी में हेल्प नहीं करता है। ये क्या होता है शुक्र, स्त्री शुक्र होता क्या है? बेसिकली हम ले सकते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो म्यूकस रिलीज होता है वो, या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज। और जो गर्भ निर्माण में हेल्प करता है वो होता है आर्तव। आर्तव क्या होता है? मेंस्ट्रुअल ब्लड। तो ये हो गया स्त्री शुक्र। अब आता है शुक्र का स्थान। शुक्र कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? जिस प्रकार ईख में रस, दही में घृत तथा तिल में तेल एक स्थान पर ना होकर संपूर्ण रूप में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार शुक्र भी शरीर में एक स्थान पर ना होकर संपूर्ण रूप में व्याप्त रहता है। मतलब जैसे जो गन्ना है उसमें रस जो होता है वो पूरे गन्ने में ऊपर से लेकर नीचे तक होता है, दही में घृत होता है, ऐसे ही तिल में पूरे में तेल होता है। तो इसी प्रकार हमारी पूरी बॉडी में शुक्र जो है वो फैला हुआ होता है। पर जैसे हम जब गन्ने को चबाते हैं तो उसका रस बाहर आता है, ऐसे ही दही से घृत को हम निकालते हैं, घी को हम निकालते हैं, ऐसे ही तिल को हम कूट कर या पीस के हम तेल को बाहर निकालते हैं। तो ऐसे ही इंटरकोर्स के दौरान जो शुक्र है वो हमारी बॉडी से बाहर आता है, वैसे वो संपूर्ण शरीर में पाया जाता है। आगे क्या है? शुक्र केवल शरीर के स्पर्श ज्ञान युक्त अंगों में ही विद्यमान रहता है, ना कि केश, मल, मूत्र, स्वेद आदि में। मतलब वो सारे अंगों में होता है, केश में नहीं होता, बालों में नहीं होता, मल, मूत्र, स्वेद आदि जो पसीना वगैरह है इनमें शुक्र नहीं होता है। तो ये हो गया शुक्र का स्थान। अब आता है शुक्र का स्वरूप। चरक ने दो स्थलों पर शुक्र के लक्षणों का उल्लेख किया है। कौन कौन से? एक हो गया संतान उत्पादक, मतलब जो बेबीज प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, और एक हो गया शुद्ध शुक्र, जो शुक्र गाढ़ा, मधुर रसयुक्त, स्निग्ध डेट इज अंक्चुअस
गुरु डेट इज हैवी, पिचल स्लाइमी, वर्ण में शुक्ल अभिदाही मतलब जलन ना करने वाला, तथा स्त्राव के समय बहु मात्रा में स्रवित होता है वह शुक्र कहलाता है। मतलब इंटरकोर्स के दौरान जो बहु मात्रा में निकलता है वह शुक्र कहलाता है। तो ये हो गया शुक्र का स्वरूप। अब आता है शुक्र प्रवर्तित के आठ कारण, मतलब शुक्र के उत्पन्न होने के आठ कारण क्या क्या है। सबसे पहला है हर्ष, फिर है तर्ष डेट इज स्त्री की इच्छा, सड़ता डेट इज वीर्य की अस्थिरता, पिचलता वीर्य की गुरुता, अणु डेट इज वीर्य सूक्ष्म होना, बाहर निकलने का स्वभाव होना, शुक्र को प्रेरणा प्रदान करने वाली वायु का द्रुतगामी होना। तो ये हो गए शुक्र प्रवर्तित के आठ कारण, शुक्र के निकलने के आठ कारण। अब आता है शुक्र वह स्रोतस मतलब चैनल्स क्या क्या है, चरक अनुसार क्या क्या है। वृषण मतलब टेस्टिस और सेफ डेट इज पेनिस, और आचार्य सुश्रुत अनुसार क्या क्या है, स्तन डेट इज ब्रेस्ट और वृषण। तो ये हो गए शुक्र वह स्रोतस। अब आता है शुक्र का पांच भौतिक संगठन। हर एक धातु पांच महाभूत से बनी होती है, पर किसी एक या दो महाभूत की प्रधानता होती है। तो शुक्र में जल महाभूत की प्रधानता होती है। तो ये हो गया शुक्र का पांच भौतिक संगठन। फिर आता है शुक्र धातु का प्रमाण मतलब उसकी क्वांटिटी क्या क्या है। ये जो पीछे इमेज है, अगर हम ऐसे हाथ को जोड़े तो इसके बीच में जो स्पेस आती है इसको हम बोलते हैं एक अंजलि। तो शुक्र का प्रमाण है आधी अंजलि, मतलब जब ये स्पेस आधी फिल हो जाए उतना शुक्र की हमारी बॉडी में क्वांटिटी है। तो ये हो गया शुक्र धातु का प्रमाण। फिर आता है शुक्र धातु के कर्म कार्य क्या क्या है। शुक्र से गर्भ की उत्पत्ति होती है, पुरुष का शुक्र एवं स्त्री का आर्तव आपस में मिलकर गर्भ की उत्पत्ति करता है। शुक्र से फीटस बनता है, गर्भ बनता है, और पुरुष का शुक्र एवं स्त्री का आर्तव आपस में जब मिल जाते हैं तो गर्भ की उत्पत्ति होती है। फिर आता है शुक्र क्षय के लक्षण, मतलब शुक्र अगर हमारी बॉडी में कम मात्रा में होगा तो क्या क्या उसके लक्षण होंगे। शुक्र क्षय के लक्षणों में दुर्बलता, मुख का सूखना, शरीर में पीलापन, अवसाद, थकावट, नपुंसकता एवं मैथुन के समय शुक्र ना निकलना या अल्प मात्रा में निकलना का वर्णन किया है। मतलब इंटरकोर्स के दौरान या तो शुक्र नहीं निकलेगा या फिर अल्प मात्रा में निकलेगा। और शुक्र के स्थान पर रक्त बाहर निकलना, वृषण में वेदना, वृषण क्या होता है टेस्टिस, शीशन में धुआं, शीशन होता है पेनिस में धुआं निकलना प्रतीत होता है। तो ये हो गया शुक्र क्षय के लक्षण। अब आता है शुक्र वृद्धि के लक्षण, अगर शुक्र हमारी बॉडी में ज्यादा हो तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला, बड़ा हुआ शुक्र मैथुन की अधिक कामना, अति स्त्री कामना तथा शुक्रास्मरी उत्पन्न करता है। शुक्रास्मरी क्या होता है, अ डिस्टिंक्शन ऑफ कार्सिनोमा विच अराइजेस फ्रॉम स्टॉपिंग द सीमेन, मतलब वह पथरी जो वीर्य को रोकने से उत्पन्न होती है। तो ये हो गया शुक्र वृद्धि के लक्षण। अब आता है शुक्र सार पुरुष के लक्षण, मतलब जिसमें शुक्र अच्छी क्वालिटी और एकदम ठीक क्वांटिटी में हो उन पुरुष के क्या लक्षण है। शुक्र सार वाले पुरुष स्निग्ध सहंत ठोस शरीर वाले, श्वेत नख दंत एवं अस्थि वाले होते हैं, इसके अतिरिक्त बहुकामी तथा बहुसंतान वाले होते हैं, शरीर कांतिवान तथा नितंब बड़े, नितंब होता है हिप्रीजन, स्त्रियों को प्रिय, सुख ऐश्वर्य धन सम्मान वाले होते हैं। तो ये हो गए शुक्रसार पुरुष के लक्षण। तो ये हमारा लास्ट धातु कंप्लीट हुआ। थैंक यू।